अस्सलाम वालेकुम, बहुत दिनों बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है और हमारे YouTube पे आज कुछ खास होने वाला है। वो क्या होने वाला है मैं आपको चंद सेकंड्स में बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाती हूँ, यानी कि पिछले हफ्ते से लेके अब तक मैं क्या कर रही थी और रिसेंट पास्ट में मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे जरूरत महसूस हुई कि मैं क्यों ना व्लॉग बनाऊं। अब कुछ लोग इसमें तनकीद भी हो सकता है करें कि जी अगर नेकी करनी है तो जी आप बता क्यों रही है, नेकी कर दरिया में डाल दूसरे को पता ना लगे। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है, नेकी तरगीब के लिए की जाती है। हो सकता है मेरी नेकी करते हुए देखकर किसी और को तरगीब मिले, उसके अंदर उसके दिल में चाहत पैदा हो जाए और वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर काम करें, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और इसमें मैं थैंक यू हमेशा से करती आई हूँ अपनी फ्रेंड्स का, अपनी फैमिली का, जो मुझे हमेशा से सपोर्ट करते हैं। और मैं कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी मैं सोच सकती हूँ और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको पाए तकमील तक पहुँचाऊँ। तो उस अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज़ बहुत अच्छी मेरी बहन की काविश है, ये मिसेस शाकिर हैं जिन्होंने छोटे बच्चों के लिए ये छोटे छोटे सनग्लासेस, ये ज्वेलरी और इसमें देखें नेकलेस भी हैं, इयररिंग्स भी हैं, क्लिप्स हैं, बैंगल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में भेजी हैं और बहुत अच्छे से पैक करके उनकी ज़रूरत की चीज़ें भेजी हैं। और ये देखिए, ये सारी मनी वेलफेयर ट्रस्ट की बच्चियों और ख्वातीन के लिए इंशाल्लाह हम परसों लेके जाएंगे और हमारी तैयारियां पिछले 5 दिनों से चल रही हैं, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुंच चुकी हैं। और मिसेस शाकिर के लिए भी प्लीज यहाँ पे जितने लोग हैं उनके लिए क्लैप्स करें। थैंक यू मिसेस शाकिर, थैंक यू मिसेस शाकिर। अल्लाह पाक तमाम मेरी बहनों के और मेरी फ्रेंड्स के जज्बे इसी तरह कायम दायम रखें। चलिए जी, अब इस तरफ आ जाते हैं। ये हम ईदी होम के बच्चों के लिए, जो 4 साल से 12-13 साल तक के होते हैं बॉयज, उनके लिए तकरीबन ये 35 ड्रेसेस हैं, शलवार सूट, जो ईद के दिन वो पहनेंगे इंशाल्लाह। और मैं ईद के व्लॉग में वो इंशाल्लाह पहनकर वीडियो क्लिप हमें भेजेंगे और मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ये वो गिफ्ट्स हैं जो मेरी फ्रेंड्स ने और मैंने मिलकर उन बच्चों के लिए ख़रीदे हैं बाज़ार से। अच्छा जी, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपकी बात भी कराती हूँ और ये चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हैं कुलसुम आप? मैं उन बच्चों के लिए सारिम बनी ट्रस्ट के जो बच्चे हैं और ईदी शेल्टर होम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं खूबसूरत अल्फाजों में कुछ ईद की मुबारकबाद दे रही हूँ, ये कार्ड्स मैं बना रही हूँ। चले बहुत ज़बरदस्त, थोड़ा सा मुझे भी दिखाइए और हमारे तमाम देखने वालों को भी दिखाइए। ये माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त, ये ईदी होम के बच्चों के लिए है जी। अभी कुछ कार्ड्स रहते हैं वो अच्छा मैं प्रोसेस में है, वो मैं लिख रही हूँ। कीप इट अप, आप लगी रहिए। अच्छा जी, एक ये देखिए गिफ्ट हैम्पर बहुत जबरदस्त है, इन्होंने बास्केट में तैयार किया है उन बच्चों के लिए जिन्हें हम बहुत जल्द गिफ्ट करने वाले हैं। ये और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं बच्चों की पसंद की, जो हमारे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, चॉकलेट्स हैं। बच्चियों के लिए जो ड्रेसेस हैं ये आप देख सकते हैं, ये अभी पैक्ड हैं, लेकिन हर डिज़ाइन, हर कलर, हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए हमने डिफरेंट लिया। इसमें फ्रॉक्स भी हैं, इसमें प्लाजो हैं, इसमें गरारा है और टाइट्स हैं। 4 साल से लेकर 12 साल तक की बच्चियों के लिए भी हैं और हमारी जो वहाँ पर बड़ी एज की ख्वातीन हैं उनके लिए भी हमने ये ड्रेसेस तैयार किए।
ये भी तकरीबन 35 to 40 ईयर्स में है और इंशाल्लाह कल का दिन परसों हम जाएंगे आलिया सारिम की तरफ, तो कल का दिन मुझे मिल जाएगा जब मैं ईदी होम के बच्चों, क्योंकि वहाँ पे खाली बॉयज़ हैं और यहाँ पे गर्ल्स होती हैं और ख़वातीन कुछ होती हैं, तो उनके लिए और ड्रेसेस भी मैं अरेंज कर पाऊँ इंशाल्लाह। और हमारे एक ड्रीम को जो है ना वो अमली जामा पहनाने में हमारी मदद की, और मेरे इस शौक को कह लें या मेरी इस ख्वाहिश को कह लें कि हकीकत का रूप दिया। अगर ये मेरी तमाम बहनें और दोस्तें ना होती तो शायद मैं इतना कुछ नहीं कर पाती, तो इसलिए मैं तमाम बहनों का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आपके रिस्क में मज़ीद बरकत दे जी। और ये बेड़ा जो है वो उठाया ही सदक है ना, अगर सदक नहीं होती तो शायद ये सारी तैयारी हो जाए। ये तो आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, आपका खुलूस है कि मुझ पर ट्रस्ट करते हैं आप लोग, और मैं जो भी कहूँ या जो भी मैं विश करूं और आप लोग लबैक कह के मेरे साथ एक कारवां की सूरत में शामिल हो जाते हैं। और बिल्कुल 100% तो मैं ठीक नहीं होती हूं हमेशा, लेकिन मुझे 100% ठीक बनाने में आप ही तमाम बहनों का और मेरी फ्रेंड्स का हाथ है। थैंक यू सो मच। आप अपने बच्चों के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उसमें से कुछ छोटा सा हिस्सा उस बच्चे के लिए भी करें, तो मुझे लगता है कि जो मैंने अपने तमाम दोस्तों को अपने साथ मिलाकर ये सारा कुछ किया है, तो आप इंडिविजुअल भी अपने तौर पर उस बच्चे के लिए या उस बच्ची के लिए या किसी ज़रूरतमंद के लिए कर सकते हैं। और जो मैं आपको 100% शो कर रही हूँ कि जो खुशी और जो इत्मीनान आपको उस नीति के करने के बाद मिलेगा या उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी वो देखने के बाद जो आप फील करेंगे ना, वो प्राइसलेस है। वो आपको दुनिया के किसी भी कीमती चीज़ हासिल करने में नहीं मिलेगा। जो सुकून और इत्मीनान आपको नीति करके और उस बच्चे या बच्ची के चेहरे की खुशी महसूस कर मिल सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द नए व्लॉग में आपके साथ दोबारा हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और जी कुलसुम आप भी गुड बाय कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।